प्यारे बच्चों कैसे हो, आज हम इकाई व दहाई की अवधारणा समझेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों आप जानते हो कि एक से लेकर नौ तक के अंकों को इकाई के अंक माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इकाई के खाने में एक से नौ तक के अंक ही लिखे जा सकते हैं। अगर नौ से अगली संख्या लिखनी हो तो हमें उसे दहाई के खाने में लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं, इसमें इकाई के खाने में नौ बिंदियाँ दिखाई गई हैं और एक बिंदी अतिरिक्त दिखाई गई है। इन नौ और इस एक बिंदी को मिलाकर दस बिंदियाँ हो गई हैं। अब दस बिंदियों को लिखने के लिए हमें दहाई के अंक में इसे लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये हो गई दस बिंदियाँ। हम जानते हैं कि एक दहाई दस की होती है, तो हम इसे दहाई में बदल देंगे। यहाँ एक लिखेंगे और इधर जीरो। इसी प्रकार संख्या बढ़ने पर हम ऐसे लिखेंगे, एक दहाई एक इकाई, एक दहाई दो इकाई, एक दहाई तीन इकाई, एक दहाई चार इकाई, एक दहाई पांच इकाई, एक दहाई छह इकाई, एक दहाई सात इकाई, एक दहाई आठ इकाई, एक दहाई नौ इकाई, एक दहाई नौ इकाई प्लस एक इकाई। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर भी एक दहाई बन गई और इस दहाई को हम इधर मिलाकर लिखेंगे। पहले यहाँ एक थी, अब यहाँ कितनी दहाई हो गई, दो, और इकाई कितनी, जीरो। अच्छा बच्चों, ओके, सही बच्चे, इस सवाल को ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे।